ठंडी लग रही क्या? चलिए जी, तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। छोटा सा है नेक्स्ट चैप्टर ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, शॉर्ट नोट्स के लिए तो हमेशा छोड़ते हुए चलो ना। नहीं, ये अलग चैप्टर है उससे ना। या इसमें ये भी कर सकते हो कि पूरा मेजरमेंट जब हो जाएगा ना, उसके लास्ट में 3-4 पेज छोड़ देना, ये भी कर सकते हो। मर्जी है, जो करो, वो रीजनिंग है ही नहीं। चलिए, एरर एनालिसिस का मतलब है किसी भी मेजरमेंट में त्रुटि को ज्ञात करना। किसी भी मेजरमेंट के लिए त्रुटि को ज्ञात करना, देखो ये प्रैक्टिकली चीज़ों से रिलेट करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नापने की विधि नहीं है जिसमें त्रुटि ना आती हो। मान लिया मुझे 100 ग्राम चीनी खरीदनी है, तो भाई 99 ग्राम भी मिल सकती है, 99.9 ग्राम भी मिल सकती है, और 100.1 ग्राम भी मिल सकती है। तो ये माना गया है कि त्रुटि की संभावनाएं प्रत्येक मेजरमेंट, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में हमेशा रहेगी। तो जब हम त्रुटि की बात करते हैं, हमारे लिए ये है, मान लिया मैंने जैसे कहा कि मुझे 100 ग्राम चीनी चाहिए थी, तो 100 ग्राम मेरे लिए ट्रू वैल्यू है, सत्य वैल्यू है जो मुझे चाहिए, और जो मुझे नाप के मिल रहा है वो मेरे लिए मेजर्ड वैल्यू है, मापन मान है। तो जब भी हम त्रुटि लिखते हैं, एरर लिखते हैं किसी भी मेजरमेंट में, तो हम सबसे पहले इसे देखते हैं कि मेजरमेंट के हमारे पास दो विधियां हैं। एक होती है डायरेक्ट मापन विधि और एक होती है इनडायरेक्ट मापन विधि। डायरेक्ट मापन विधि में वो सब तरह का मेजरमेंट आता है जिनके लिए आपको किसी भी यंत्र इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फीता लिया आपने और इस टाइल पे रख के आपने नाप दिया, आपने कहा जी 4 फीट हुई है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट मेजरमेंट विधि में आप ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक स्टैंडर्ड मान से तुलना ही तो करी है। फीता रखा आपने, तुलना ही तो कर रहे हो कि भाई अगर इस पे 3 दिखा तो 3 है, 4 दिखा तो 4 है। जैसे आप नापने के अलग अलग विधियां है, अंगुल लिखते हैं, गट्ठा लिखते हैं, कंडा लिखते हैं, फीट लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं, तो जो नापने की ये विधियां हैं इनके लिए हमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं थी। बस हमें फीता हमारे लिए यंत्र नहीं है, वो तो हमारा ट्रू वैल्यू से बस कंपेयर करने की एक विधि है। हमने कहा जी ये हमें तो कोई सिस्टम नहीं अपनाना, मैं आपको ये कहूँ कि स्टाइल की जो लंबाई है वो मेरे 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम के बराबर है, तो ये भी ना पाए मैंने। अब मेरा लिखने का तरीका बदल जाएगा, टाइल की लंबाई पूछेगा कि मेरे 4 कदम के बराबर। तो एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेजरमेंट विधि वो विधि हुआ करती है जिन्हें नापने के लिए हमें किसी स्पेशल यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे आपको वोल्टेज नापनी है, तो फीता रख के या डायरेक्ट कंपेयर करके नहीं नाप सकते ना, वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो वोल्ट मीटर आपका यंत्र है, धारा को नापना है एमीटर की जरूरत पड़ेगी, पावर को नापना है वॉट मीटर की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा को नापना है एनर्जी मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब विधियां होती है इनडायरेक्ट विधि।
ठीक है जी, तो त्रुटि की संभावना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब में है। जैसे हमने कहा जी फीता रखा, तो इंसान के ये कहा गया है कि इंसान के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपके पास जो साइंस में एक चैप्टर हुआ करता है मेजरमेंट वाला, या कहें जिसमें यूनिट डायमेंशन ये सब लिखते हैं, तो यहाँ भी है ये। तो जरा सोचकर ये देखना आप लोगों को कि एक एरर होती है जिसे नाम दिया गया ग्रॉस एरर। एरर जनरली तीन प्रकार की बांटी गई है, एक कहा जी एक ग्रॉस एरर है, एक कहा जी एक सिस्टमैटिक एरर है, और एक कहा जी रैंडम है। ग्रॉस एरर का मतलब ये है कि जो इंसान की मिस्टेक के कारण होती हो, जनरली ह्यूमन एरर इंसान के कारण, इंसान के मान को पढ़ने में, इंसान के मान को लिखने में, इंसान की कैलकुलेशन के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हो, जैसे रीडिंग देखी 21.2 और हम समझ बैठे इसको 22.1, पढ़ रहे थे हमने, पढ़ने में गलती कर दी, हमने नोट करने में नोटबुक में गलती कर दी, हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो इंसान के द्वारा उत्पन्न होने वाली एरर आती है, ह्यूमन एरर जो होती है वो आती है ग्रॉस एरर में। अब सिस्टमैटिक एरर को तीन तरीके से पढ़ा गया और आपके सिलेबस के हिसाब से जो ज़्यादा ज़रूरी है, सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो तीन प्रकार की एरर को मिलाकर बनी होती है। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यांत्रिक यंत्र के कारण, हमने कहा जी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी त्रुटियां आ सकती है, कैसे भाई, एमीटर को लगाना सीरीज में, तुमने पैरेलल में लगा दिया, उसकी प्रॉपर रेटिंग के हिसाब से नहीं लगाया, मिसयूज कर रहे हो, नापना था कुछ और, नाप कुछ और रहे हो बेचारे से, तो यंत्र के कारण जितनी भी त्रुटियां हैं वो सब कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा एक आती है इन्वायरमेंटल एरर, पर्यावरण के कारण, आसपास के नेचर के कारण। पर्यावरण में हमारे बहुत सारी इकाइयाँ हैं, तापमान है, हवा है, ये बारिश है, मॉइस्चर है, दबाव है, ये सब हमारी पर्यावरण में इकाइयां हैं। तो इन्वायरमेंट के कारण जो त्रुटियां आने की संभावना है वो इन्वायरमेंटल। एक होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्व करने में, मतलब इंसान के कारण नहीं, ऑब्जर्व करने में, कैसे कि हम गलत जगह खड़े होकर पढ़ते हों। देखो एक बात बताओ, इंसान के द्वारा त्रुटि तब होगी जब वो 21 को 22 पढ़ेगा, लेकिन अगर ये पॉइंटर की परछाई, ये पॉइंटर की परछाई है मेरे हाथ पे, अगर मैं इसे इधर खड़ा होकर देखूंगा तो कहीं और पोजीशन पे दिखेगी, और इसके सामने देखूंगा तो इसके जस्ट नीचे दिखेगी। तो ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब है कि त्रुटि को देखने में त्रुटि गलत दिखाई दी हो पॉइंटर की परछाई के कारण, जिसे हम कहते हैं पैरेलेक्स एरर। गलत स्थिति में खड़े होके जब रीडिंग कर रहोगे तो भैया ये त्रुटि आती है। रैंडम एरर जो निर्धारित ही नहीं है, रैंडम का मतलब अचानक से कुछ भी हो जाए, यंत्र से नाप रहे थे तार टूट जाए, ओवर वोल्टेज लग जाए, बेचारा जल जाए, फूक जाए, स्प्रिंग टूट जाए, जो निर्धारित ही नहीं है, रैंडम जो हो सकती है कभी भी। तो ये कहा गया है कि ये कोई भी त्रुटि को आप कम कर सकते हो सावधानियां बरत के, लेकिन पूर्णतः एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा इंसान के द्वारा जो की गई एरर है आप उन्हें एलिमिनेट कर दोगे, अरे भगवान के प्रोग्राम गलत चल जाते हैं कई बार, तो ले जाना किसी और को है, उठा के ले गए किसी और को। तो इंसान के द्वारा वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्ट ने कहा कि किसी भी एरर को 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कम किया जा सकता है कुछ सावधानियां बरत के। तो इन्हें याद रखना है, आप लोगों को भी लिखेंगे इनको, तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में आए कि हम पढ़ने के वाले हैं एरर एनालिसिस में। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास में है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है
कि जब किसी इकाई को क्या हुआ, जब किसी इकाई को नापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग ना हो और हम केवल स्टैंडर्ड मान से तुलना करके ही इकाई का मान निकाल दें तो इस प्रकार के मापन को डायरेक्ट मापन कहते हैं। एक है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इसमें बस ये लिख लो कि इस प्रकार के मापन को एक विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए जी, फिर लिखेंगे त्रुटि, एरर। ये लिख लिया? अरे ये याद हो जाएंगे आपको, इतना मुश्किल नहीं है। इनको एक एक लाइन में याद रखोगे, जो डायरेक्ट नापेंगे और इसको किसी यंत्र से नापेंगे, खत्म। किसी इकाई का मान सत्य मान का मतलब बाबू ट्रू वैल्यू, किसी इकाई का मान सत्य मान या ट्रू वैल्यू से अलग होना ही त्रुटि कहलाता है। चलो, हमने ये लिखा कि जो एरर होती है, एरर को हम लोग लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू, यानी सत्य मान और मापन मान। मेजर्ड मतलब मापने वाला, जो मिला है हमें रिजल्ट। ये बेटा यहाँ पर एरर या त्रुटि को प्रदर्शित करता है। देखो, याद रखिएगा, ट्रू माइनस मेजर्ड या मेजर्ड माइनस ट्रू, दोनों सही है, है?
तो फर्क क्या पड़ा? अरे ट्रू माइनस मेजर, मेजर माइनस ट्रू। 100 ग्राम चीनी लेनी थी, 99 ग्राम मिली, तब भी एरर है। और 101 ग्राम मिलेगी, तब भी एरर है। अरे एरर को, एरर बेटा प्लस और माइनस किसी में भी आ सकती है। अरे घटा नहीं है, छोटे से बड़ा, बड़े से घटा, जब दोनों प्लस माइनस एरर, मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकती है। एक बात बता, त्रुटि का मतलब है सत्य मान से डिफरेंट होना। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सत्य मान से सदैव कम होना। मैंने उदाहरण दिया चीनी 100 ग्राम लेनी है, 99 ग्राम मिली, 1 ग्राम की त्रुटि है। 101 ग्राम मिली तो 1 ग्राम कम मिलना भी हो सकता है, 1 ग्राम ज़्यादा मिलना भी हो सकता है। तो एरर बेटा प्लस और माइनस दोनों में होती है सदैव। भाई ये नहीं कि भाई चूना लगा दिया 110 ग्राम मिल गई 10 ग्राम का फायदा। त्रुटि मतलब त्रुटि है। अगर ट्रू मान 100 था, 110 मिलना भी नुकसान है। मतलब वैसे नॉर्मली तो देखा जाए फायदा है, लेकिन त्रुटि के मामले में गलत है। 10 ग्राम फालतू मिलना भी गलत है। चलिए जी, फिर देखिएगा एक शब्द होता है प्रतिशत एरर। प्रतिशत एरर को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। देखो जी, इसी को हम लोग सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं। लिख दो ऊपर भी इसमें। और इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत त्रुटि। यानी है कुछ नहीं, बस मान अब एरर है वो प्रतिशत में लिखनी है। तो हम कहते हैं भाई ओरिजिनल क्या है, ऊपर अंतर है ट्रू माइनस मेजर्ड बटे में ट्रू वैल्यू। और अगर प्रतिशत की बात चल रही है भाई तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, कर लेंगे, लिख लेंगे इसे। भाई जो बार बार बोल रहा हूं कि जो त्रुटि होती है प्लस और माइनस में ही प्रदर्शित की जाती है। न्यूमेरिकल की संभावना भी हमेशा रहेगी। एक एमिटर का सत्यमान 10 एम्पियर है तथा यह 10.5 एम्पियर नापता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो हो जाओ शुरू। अरे लगे रहो यार, आपस में लड़ रहे, कोई गंवार बोल रहे, कोई दिमाग से खाली, लगे रहो तुम, कैरी ऑन। यही तो पूछेगा एग्जामिनर आप लोगों से, और क्या, देरी ना करो बिल्कुल।
एटीट्यूड इनका इतना आसमान छू रहा है और दुनिया में जीवन में भी कुछ किया नहीं, तभी हालत है। तो अगर ये गलती से कुछ अचीव कर लेते तो ये जीने भी नहीं देते। प्रतिशत एरर बराबर में, चाहे ट्रू माइनस मेजर्ड, हमें तो प्लस माइनस में उत्तर लिखना है सदैव। तो ऊपर अंतर है 0.5, ओरिजिनल है 10, प्रतिशत कर दे ये तो कितना आ गया, प्लस माइनस 5%। ठीक है, क्या हो गया इतना, ये भी गलत कर दिया है, सवाल गलत लिख दिया। अरे नालायक, कुछ तो ढंग से कर लें, दिमाग से निकल गया, किसी की याद आ रही थी तुझे? नहीं सर, फिर क्या है, फिर तो ये पागल वाली हरकतें, याद आती तब भी समझ आता है अच्छा खो गया प्रेम में, याद नहीं आ रही तब भी गलत लिख रहा दोस्त। चले फिर आगे देखो, इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, कर लोगे? बिल्कुल, बढ़िया बात है। एक सवाल बहुत बढ़िया है, देखो आप खुद सोचो कि यदि हमें पूरे स्केल पर, फुल स्केल पर त्रुटि दे दें और हमको किसी और स्केल पर पूछें, पूरा स्केल मान लिया 10 है, 10 पे त्रुटि दे दे आपको, 5 पे बताओ, 3 पे बताओ, 2 पे बताओ, तो ये मानो कि जो ये नेक्स्ट वाला जो सूत्र है ये बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी स्केल पर त्रुटि, हमें किसी भी स्केल पर त्रुटि निकालनी है तो यहां लिखेंगे फुल स्केल मान, लिख लेंगे फुल स्केल मान जो दिया जाएगा, गुणा फुल स्केल पर त्रुटि, फुल स्केल पर प्रतिशत त्रुटि लिख लोगे, अपॉन में लिखेंगे जिस स्केल पर त्रुटि निकालनी है। अपॉन में क्या लिखना है, जिस स्केल पर त्रुटि निकालनी है वो स्केल का मान। देखो ये सूत्र बिल्कुल मस्त वाला सूत्र है और इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे तुम्हारे। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इस पे न्यूमेरिकल, और तीसरा एक थ्योरी वाला सवाल। और देखो, हमने कहा कि एक वोल्ट मीटर, का फुल स्केल मान 200 वोल्ट है तथा फुल स्केल पर, त्रुटि 5% है, तो निम्न स्केल पर त्रुटि ज्ञात कीजिए, निम्न स्केल पर त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो ए में कैलकुलेट करते हैं 100 वोल्ट पर त्रुटि ज्ञात करनी है पहले में,
करके देखे भाई। तो हमने कहा जी अच्छा प्रतिशत एरर, पहले बताओ फुल स्केल मान कितना, 200 शाबाश। फुल स्केल पर त्रुटि, वेरी गुड। कितने पे निकालना है, 100 पर निकालना है। तो ये हो गया, ये बताओ कितना, 10% आ गया, निकाल सकते हो ना, बहुत बढ़िया शाबाश। बी में 50 वोल्ट पर, अरे भाई इस तरह का न्यूमेरिकल आगे कर लोगे, शाबाश। प्रतिशत त्रुटि ये बताओ, फुल स्केल मान 200, फुल स्केल पे त्रुटि 5, निकालने कितने पे, 50 पर, कितनी आ गई, बहुत बढ़िया। चलो जी सी में, ये ऑप्शन नहीं है, इसके पार्ट है, हमें 25 वोल्ट पर निकालनी है त्रुटि, निकालो। प्रतिशत एरर 200 × 5/25, 8×5=40%। ठीक है, लिखना जरा इसको, यही तो आया तुम्हारा। आज तो हिंदी भी होगी ना, बुधवार तक थे ना सर छुट्टी पे, है? थर्सडे को बोला होगा ना, हिंदी होगी ठीक, नहीं तो आज मैं भी नहीं लूंगा इनकी जेई वालों की 9 से 10, थकान लग रही है, मैं भी थोड़ा नहा धोकर नाश्ता नुश्ता करूंगा। लिख लिया, अच्छा ये बताओ यहां से कुछ बात पकड़ में आई है, अरे इस मेरिकल से कुछ समझ आया बात, ये बताओ फुल स्केल पर, फुल स्केल पर त्रुटि कितनी है, फुल स्केल पर 5 है, जैसे जैसे स्केल कम हुआ है त्रुटि बढ़ रही है, है जी, तो सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ है, फुल स्केल, कोई भी यंत्र फुल स्केल पर सबसे अच्छा मान देता है, अच्छा मान देने का मतलब सबसे कम त्रुटि देता है, या तो फुल स्केल, या अगर इनमें भी तुलना करें तो हायर स्केल मतलब कम एरर, तो अगर ये फुल स्केल ना लिखे तो ये लिख सकता था कोई भी यंत्र हायर स्केल पर कम त्रुटि देता है, ये था ऑब्जेक्टिव। तो हम लिखेंगे कोई भी यंत्र फुल स्केल पर सबसे कम त्रुटि देता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था। फिर दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी यंत्र उच्च स्केल पर, उच्च स्केल पर कम त्रुटि देता है, लिखो बच्चों। भाई जितना हायर स्केल है उतने कम है ना त्रुटि, तो इंस्ट्रूमेंट को इसीलिए अच्छा माना जाता है उच्च स्केल पर, सबसे अच्छा फुल स्केल पर। भाई फुल स्केल ना हो तो कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि जितना उच्च स्केल पर चला सके उतना अच्छा है। चलो बच्चों नेक्स्ट लिखेंगे, त्रुटि के प्रकार, सबसे पहले ग्रॉस एरर,
दूसरा सिस्टमैटिक एरर, फिर सिस्टमैटिक एरर तीन प्रकार की है। एक होती है इंस्ट्रूमेंट एरर यानी यंत्र के कारण, पर्यावरण के कारण, कल लिखाऊंगा इन्हें हिंदी में ना फिर मैं, एनवायरमेंट एरर पढ़ने में देखने में, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशनल एरर, और नंबर तीन पर है जो अचानक से आ जाए कुछ भी जो डिफाइन नहीं है, रैंडम एरर। ये अभी मेन हमारे पास तीन प्रकार की त्रुटि होती है। टाइम भी हो गया, चलो भाई बच्चों यहाँ से आगे कल करेंगे।